आज जो आपको पैगाम देना है वो रिलेटेड है ओरल हेल्थ विद रिस्पेक्ट टू रमज़ान, रमज़ान के से उसके मुताबिक है। रमज़ान में जो होता है दो चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, एक तो आपकी डाइट इफ़ेक्ट होती है, दूसरा आपकी हाइजीन इफ़ेक्ट होती है। जब सारा दिन आप फास्टिंग करते हो तो आपका बॉडी डिमांड करता है कि आप ग्लूकोज ले लो, तो उस केस में आपने करना यह है कि जब भी आप मीठा लेते हो मेक श्योर कि विद इन 30 मिनट्स आप प्रॉपरली ब्रश कर दो। और जो स्टिकी फूड, जो मतलब जो खजूर होता है या आप जलेबी लेते हो, जो भी आप लेते हो, मेक श्योर कि आप उसको प्रॉपरली टाइम लेकर उसको क्लीन करो। जब आप ब्रश विद इन 30-40 मिनट्स करते हो तो उसका असर एक लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके अलावा मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप लोगों ने डेंटल फ्लॉस को ज़रूर यूज़ करना होता है, क्योंकि जब भी आप डेंटल फ्लॉस यूज़ करते हो जहाँ से आपका दांतों में कीड़ा शुरू होता है वो प्रॉपरली क्लीन होता है, उसकी प्रॉपरली क्लीनिंग होती है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप ब्रश करते हो उसके बाद जो जाग बनती है आपने उसको रिंस आउट नहीं करना, रिंस आउट नहीं करना, उसको आपने सिर्फ उसकी स्पिटिंग करनी है कि जो आपका टूथपेस्ट है उसका एक लॉन्ग इफेक्ट रहे। इसके अलावा आपने अपनी हाइजीन के रेजीम में आपने मिसवाक को इंक्लूड करना होगा, क्योंकि उसके एक तो जो ब्रिसल्स होते हैं वो स्लाइटली हार्ड होते हैं और वो दांतों के बीच में क्लीनिंग इफेक्टिवली करता है। सो मेक श्योर कि आप रमज़ान में अपने दांतों का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।